यूपीएससी की जो आईएएस की परीक्षा होती है उसमें जो स्टूडेंट बैठते हैं वो सफल क्यों नहीं हो पाते। तो आफ्टर ऑल ये जो सेलेक्ट नहीं हो पाते, यानी कि अगर 1000 का आंकड़ा ले तो जो 999 लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते, उनसे ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो सबसे बड़ा रोल होता है वह होता है। मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और अपने इस वीडियो में मैं आप सबसे इस बात पर डिस्कस करने जा रहा हूं कि यूपीएससी की जो आईएएस की परीक्षा होती है उसमें जो स्टूडेंट बैठते हैं वो सफल क्यों नहीं हो पाते। कल्पना करके देखिए कि हर साल लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं और उसमें अल्टीमेटली 1000 स्टूडेंट के आसपास सेलेक्ट हो पाते हैं। तो आफ्टर ऑल ये जो सेलेक्ट नहीं हो पाते, यानी कि अगर 1000 का आंकड़ा ले तो जो 999 लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते, उनसे ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गलतियां बताने वाला जो मैं हूं इसका अधिकारी क्यों हूं। दोस्तों इसके तीन कारण हैं। पहला तो यह कि मैंने 1983 में खुद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि मैं हिंदुस्तान की जो एक बड़ी आबादी है जिसको आप 65% कह सकते हैं जो गांव में रहती है, उन नौजवानों को इस एग्जाम में रिप्रेजेंट करता हूं। मैं गांव में रहा, बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति रहा। जब मैं 8 साल का था तभी मेरे पिता नहीं रहे और फिर जो आर्थिक स्थिति हो सकती है आप कल्पना कर सकते हैं। 9th के बाद ही इसी कारण से गांव में मैं दुकानदारी करता था, बाजार हाट करता था और इस तरह से मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। और मैं जो स्टूडेंट रहा हूं वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं। मैं समझता हूं कि शायद मेरी ये जो पृष्ठभूमि है आईएएस की परीक्षा में बैठने वाले बहुत से स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व करती होगी। और जो तीसरी बात है फ्रेंड्स वो ये कि एग्जामिनेशन में सफल होने के बाद भी मैं लगातार इस एग्जामिनेशन से जुड़ा रहा और मुझे आगे चल करके महसूस होने लगा कि नहीं, मुझे अब आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ही गाइड करना चाहिए ताकि मैं उनके जीवन के लिए कुछ कर सकूं। और यही सोचकर मैं अपने सर्विस के रिटायरमेंट के 8 साल पहले रिजाइन कर दिया और अब मैं अपना पूरा समय आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को गाइड करने में लगाता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस अनुभव के बैकग्राउंड से शायद यह सिद्ध होता हो कि मैं आपसे बहुत ही प्रैक्टिकल बातें इस विषय पर कुछ कर सकता हूं। तो आइए अब बात की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड जो सबसे बड़ी गलती जो मैंने स्टूडेंट्स में देखी, क्योंकि मैं लगातार स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता रहता हूं मेल के जरिए, व्यक्तिगत मुलाकात के जरिए, अपने क्लासेस के जरिए, और मैं लगातार वाच भी करता रहता हूं कि आफ्टर ऑल ये कर क्या रहे हैं, इनकी कमजोरियां क्या हैं, साथ ही साथ इनकी स्ट्रेंथ भी क्या है। तो मैंने जो महसूस किया है जो सबसे पहली और जो बड़ी गलती वे करते हैं वो ये है कि कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं कर पाना। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो एग्जामिनेशन से कुछ दिनों पहले, चाहे वो 6 महीने ही क्यों ना हो, वो लगातार तैयारी करने लगेंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे। उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है और उसका कारण यह है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो सबसे बड़ा रोल होता है वह होता है करेंट अफेयर्स का, लगभग 1.5 से 2 साल तक के करेंट अफेयर्स का। और आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि करेंट अफेयर्स का संबंध केवल जनरल स्टडीज के पेपर से है, नॉट एट ऑल। आप ह्यूमैनिटी के, यहां तक कि मेंस के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए तो उन क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर्स ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए होते हैं। अब आप ये बताइए कि जहां घटनाएं रोज घटित हो रही हैं, इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, कुछ चैनल्स के जरिए आ रही हैं, कुछ रेडियो के जरिए पता लग रही हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स के जरिए पता लग रहे हैं, आपको लगता है कि आप 6 महीने 7 महीने में उसकी तैयारी कर लेंगे? कभी नहीं हो सकता। इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप डेली कंटिन्यूअस इसकी प्रिपरेशन करें। दूसरी बात और भी है और वो ये है कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो इंफॉर्मेशन पर बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, यहां तक कि वो नॉलेज पर भी बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है। वो आपके अपने लॉजिक पावर पर डिपेंड करता है। वहां आपको बने बनाए उत्तर किताबों में नहीं मिलेंगे कि आप याद कर लें और आंसर लिख करके आ जाएंगे। वहां आपके दिमाग को आंसर फ्रेम करना पड़ता है और यह तभी हो सकता है जब आपने टॉपिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी की हो। और हमारा दिमाग इसके लायक बन सके
बहुत जरूरी होता है कि हम लगातार तैयारी करते रहें ताकि उस विषय के बारे में हमारी समझ विकसित हो सके और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में आई है उसका जो फॉर्मेट हो वो लिक्विड का फॉर्मेट हो। लिक्विड का फॉर्मेट कहने का मतलब है कि जैसे लिक्विड होता है ना, आप जिस बर्तन में डाल दीजिए उसी शेप में ढल जाता है। तो जो आपने ये नॉलेज गैदर किया है, जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनका फॉर्मेट इस तरीके का होना चाहिए कि उसके अनुकूल बाहर आ सके। और फ्रेंड्स, ये सारी बातें केवल तभी हो सकती हैं जब आपकी स्टडी कंटिन्यूअस हो। स्टूडेंट ऐसा नहीं करते, चाहे उनके अपनी मानसिक कमजोरी हो, चाहे उनका बहाना हो कि समय नहीं मिल पाता है, चाहे आप यूं कह लीजिए कि आंतरिक प्रेरणा की कमी हो, कारण चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी ही चाहिए। जो दूसरी कमजोरी असफलता के बारे में मुझे पकड़ में आई है फ्रेंड्स, वह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, इनफैक्ट इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नेचर क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इनफैक्ट उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। देखिए, स्टूडेंट होता क्या है कि वो कॉलेज से पढ़ करके आया है और उसके दिमाग में कॉलेज की तैयारी का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक डिफाइंड सिलेबस है, उस सिलेबस पर बेस्ड किताबें हैं, वो बकायदे उन किताबों को पढ़ता है, रटता है और बहुत अच्छे नंबर भी ले आता है। और उसे ऐसा लगता है कि इसी को थोड़ा सा और ऊपर उठा करके, यानी कि सिलेबस को थोड़ा सा फैला करके अगर वो तैयारी करेगा तो सिविल सर्वेंट भी बन जाएगा। जबकि सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको अपने दिमाग के इस पूरे पैटर्न को ड्रॉप करके और उसकी जगह एक नया पैटर्न डालना पड़ेगा। वो नया पैटर्न क्या होगा? अक्सर मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि आप सिलेबस को पढ़िए। मैंने देखा है कि वो सिलेबस नहीं पढ़ते, कई कई बार कहने के बाद भी नहीं पढ़ते, क्योंकि जो सिविल सर्विस का जो सिलेबस है वो उस तरह का नहीं है जैसा कि कॉलेज का सिलेबस होता है। वहाँ संकेतों में बात कही जाती है और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ मेंशन नहीं होती, लेकिन वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बहुत प्रोमिनेंटली पूछी जाती है। तो आपको सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, लेकिन स्टूडेंट सिलेबस को नहीं समझना चाहते। मैं स्टूडेंट से बार बार ये कहता हूँ कि अगर आपको सिविल सर्विस के सिलेबस को समझना है तो दो चीज़ें हमेशा अपने सामने रखिए, एक तो यूपीएससी ने जो सिलेबस बता रखा है उसे, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। आप क्वेश्चंस पढ़िए और देखिए कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछता है, और तब जाकर के आप उस पैटर्न पर अपनी तैयारी कीजिए। लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में चूंकि वो पुराना ढर्रा बना हुआ है तो उससे मुक्त होना शायद वो नहीं चाहते, या होना अगर चाहते भी हैं तो शायद पूरी तरह से उससे मुक्ति नहीं पा पाते। दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रट्टा मारने का एग्जामिनेशन नहीं है, वो इनफैक्ट इस एग्जामिनेशन के जरिए आपकी मानसिक क्वालिटी को देखना चाहते हैं कि आपको बकायदे एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। वो तो आपको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे, लेकिन क्या आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है? तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके माइंड में एक लॉजिकल पावर हो, आप क्वेश्चंस के आंसर अपनी तरफ से फ्रेम कर सकें। लेकिन उन्हें लगता है कि अगर हम रट लेंगे और आंसर लिखाएंगे तो शायद हमें नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आपको अपने प्रिपरेशन का जो पैटर्न है डेफिनेटली उसे बदलना होगा। आपको कभी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं ये पास और फेल होने के एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, ये सेलेक्ट होने के एग्जामिनेशन होते हैं। हो सकता है कि आप 35% लाएं और आप बिल्कुल टॉपर बन जाएं। 2013 बैच के आप देखिए जो गौरव अग्रवाल हैं, उनके जो स्कोर है लगभग जनरल स्टडीज में इसी के आसपास है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि उनसे बेहतर उस साल और कोई दूसरा नहीं था। इसे आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आप इस पैटर्न को बदल क्यों नहीं पाते? इसी से जुड़ा हुआ जो तीसरा कारण है वो है रिसेप्टिविटी की कमी। इसके बारे में मेरे बहुत सारे अनुभव हैं और ज्यादातर जो अनुभव हैं बहुत दुखद अनुभव हैं। स्टूडेंट्स से जब कहा जाता है कि आप इस तरीके से तैयारी कीजिए, इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़िए, तो वो स्वीकार ही नहीं कर पाते, वो आउटर रिजेक्ट कर देते हैं। और मैंने देखा है कि बहस के दौरान वो तर्क कम और कुतर्क ज्यादा करने लगते हैं, क्योंकि देखिए जब आप किसी दूसरे की बात को एक्सेप्ट करके और अपना अपने को बदलना शुरू करते हैं तो तकलीफ होती है। नई चीजों को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, और यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के साथ होता है।
और मैं आपको बताना चाहूंगा कि और जिन्होंने रिसीव किया है उन्होंने बहुत अच्छे परिणाम दिए। तो दोस्तों जब जब रिसेप्टिविटी ही आप में नहीं होगी तो फिर चाहे आपको कोई भी गाइड करे, चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े, कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया हो आपने, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सीधे सीधे सुनने का, रटने का, लिखने का एग्जाम नहीं है। तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर कोई बात बताई जा रही है तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से विचार पूर्वक करके ग्रहण करें, और अगर आपको बात समझ में नहीं आती है तो आप उस पर पूछिए, बकायदे डिस्कस कीजिए, और कन्विंस होने के बाद फिर आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। अब मैं जो नेक्स्ट कारण पर आ रहा हूं वह कारण है भयभीत होना। और जब मैं कहता हूं कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से भयभीत मत रहिए तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, मैं भी भयभीत रहता हूं। वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इतने ज्यादा कैजुअल हो जाएं कि उन्हें लगे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तो कुछ है ही नहीं। मैं यहां जो बताना चाह रहा हूं वो सिर्फ ये कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को आप एक चुनौती मान करके चलिए। आफ्टर ऑल अगर दुनिया की कठिनतम परीक्षाओं में से यह एक मानी जाती है तो कोई ना कोई कारण तो उसका होगा। लेकिन कठिनतम होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने अंदर फियर पैदा कर लें। देखिए जब फियर पैदा होगा तो क्या होता है, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, आप जाकर के देखिए, आप मार्केट में चले जाइए, दुनिया भर के नोट्स खरीदेंगे, तरह तरह के नोट्स खरीद रहे हैं, उन्हें पढ़ रहे हैं, ढेर सारे राइटर्स की किताबें पढ़ रहे हैं, इस कोचिंग में जा रहे हैं, उस कोचिंग में जा रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं, फलाना कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन में भय समाया हुआ है। तो जब वो भयभीत हो जाते हैं और ये सुनते हैं कि आसमान के नीचे जो कुछ भी है उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो डेफिनेटली उन्हें लगता है कि ये भी समेट लो, ये भी समेट लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, और पता लगता है कि जो सारा कुछ समेटते हैं उनके पास अंत में उनकी गठरी में कुछ भी नहीं बचता, और वो इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में चाहे वो प्री हो या मेन्स हो, फोकस्ड तरीके से किसी भी क्वेश्चंस का बहुत अच्छा ठोस आंसर नहीं दे पाते। उन्हें लगता तो है कि उन्होंने सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं और करते भी हैं, लेकिन जब वो अपने मार्क्स देखते हैं तो समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से भयभीत मत होइए, उससे प्यार करना सीखिए, उससे प्रेम कीजिए, तब आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। भयभीत रहने से तो फिर आप डरे डरे रहेंगे, उससे दूर दूर रहेंगे, तो आपकी जो रिसेप्टिविटी होती, जो आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद उसकी जो बातें दिमाग में आनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं आएंगी, और साथ ही साथ देखिए आपका आत्मविश्वास भी कम हो जाएगा। अब एक लास्ट वीकनेस के बारे में, और दोस्तों वह है प्लान न बनाना। देखिए सीधी सी बात है कि आप जितना भी बड़ा काम करेंगे प्लान की उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक बड़ा एग्जामिनेशन है, आपको अगर 4 अटेम्प्ट दिए गए हैं, अगर एज लिमिट 21 से 30 दी गई है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा, नहीं तो एक ही बार में बात खत्म हो सकती थी और यूपीएससी को उतने कैंडिडेट मिल भी जाएंगे, क्योंकि ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है। तो आपको 4 अटेम्प्ट दिए गए हैं, आपकी एज लिमिट में 9 साल का फासला दिया गया है, तो आपको बकायदे चाहिए कि आप अपनी एज को देखें, अपने अटेम्प्ट्स को देखें, अपने समय को देखें, अपनी परिस्थितियों को देखें, और उसके आधार पर अपना एक लंबा प्लान तैयार करें और फिर अकॉर्डिंगली उसके अनुसार चलें भी। ऐसा नहीं कि आपने प्लान तैयार कर दिया और चल आप अपने हिसाब से रहें, क्योंकि बड़ी चीजों को पाने के लिए, बड़े सफर को पूरा करने के लिए दोस्तों आपको बकायदे योजनाएं बनानी ही पड़ती है। और यह बात मैं आप सबसे विशेष कर कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने पूरे वक्त का प्लान कर लें आप अटेम्प्ट और एज को देखते हुए। दोस्तों लास्ट में अब एक बात और, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में जितने भी स्टूडेंट मुझे मिलते हैं सभी हार्ड वर्क की बात करते हैं। सबके दिमाग में बुरी तरह से यह बात बैठ गई है कि इसमें खूब पढ़ना है, रात दिन पढ़ना है, और सच पूछे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो सेलेक्ट होते हैं बाद में वो चैनल्स पर आकर के ये कहते भी हैं कि हाँ खूब पढ़ना चाहिए, रात दिन पढ़ना चाहिए, और फिर स्टूडेंट को लगता है कि इसका मतलब है कि हार्ड वर्क करना चाहिए। दोस्तों इसके लिए हार्ड वर्क की उतनी नहीं जितनी कि स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। और स्मार्ट वर्क क्या है, सीधी सी बात है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की अपनी रिक्वायरमेंट है, उसकी अपनी कुछ जरूरतें हैं, उन जरूरतों को अपने दिमाग में रख करके आप उसके अनुसार
तैयारी करते चले जाइए, वो स्मार्ट वर्क हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सिविल सर्विस एक बहुत बड़ी परीक्षा है और जो बड़े उद्देश्य होते हैं यदि उनका रास्ता आसान हो जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जो उद्देश्य हैं वे ही बड़े नहीं रह जाएंगे, उनका गौरव नष्ट हो जाएगा? यदि आप केवल इस बात को अपने दिमाग में रख करके, और बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने दीवार पर लिखकर टांग भी लें कि बड़ी सफलताओं का जो रास्ता है वो कभी आसान नहीं होता है, और यदि वह आसान होगा तो उसका गौरव भी नष्ट हो जाएगा। आप पाएंगे कि इस वाक्य से शायद आपको लगातार एक आंतरिक ऊर्जा मिलती रहेगी। दोस्तों मैंने कुछ बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जो रीजन थे इसको लेकर के उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाने की कोशिश की है, और मुझे यकीन है कि इनमें से देखिए कि कौन कौन सी खामियां आपके अंदर हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे जैसे खामियां दूर होती जाएंगी आपकी मंजिल आपके नज़दीक आती चली जाएगी। आप सफल हों, मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं।